आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम कुरकुरी पानी पूरी। पानी पूरी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो बाहर की पानी पूरी खाना ही भूल जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल भी है, जो आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। एकदम जैसे हम कभी बाहर खाने के लिए जाते हैं पानी पूरी, तो जैसे ठेले वाले के पास हमें पानी पूरी मिलती है एकदम कुरकुरी क्रंची, बिल्कुल ऐसे ही हम पानी पूरी बनाने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और ऑल वाला बटन भी आप प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले पानी पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप सूजी ली है। ये बारीक वाली सूजी है, अगर आपके पास मोटे वाली सूजी है आप वो भी ले सकते हैं, और नहीं तो उसको मिक्सी में चलाकर आप पतला कर सकते हैं, यानी कि बारीक कर सकते हैं। और यहाँ मैंने आधा कप ही मैदा लिया है। आप मैदे की जगह एक चौथाई कप मैदा ले लीजिए और एक चौथाई कप आप आटा ले सकते हैं। तो चलिए इसे हम एक बड़ी बर्तन में डाल लेंगे। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है, आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसे डाल लेते हैं। और यहाँ मैंने खाने वाला सोडा लिया है, यानी कि बेकिंग सोडा। इसकी हमें एक चुटकी ही डालनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। और इसे हम सूजी और मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ मैंने दो बड़े चम्मच घी लिया है। आप घी का ही इस्तेमाल करना, तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कोई भी क्रिस्पी अगर चीज़ हम बना रहे हैं तो उसके लिए घी सबसे बेस्ट रहता है। तो हम यहाँ दो चम्मच घी डाल लेंगे और इसे अच्छे से मसल मसल कर इसमें सूजी और मैदे में मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने थोड़ा पानी लिया है, पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपकी सूजी बारीक नहीं है, यानी कि मोटे वाली सूजी है, तो उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगेगा। अगर बारीक वाली सूजी है तो उसमें थोड़ा कम लगेगा। तो हमें सूजी के हिसाब से ही पानी यहाँ लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें इसका अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बनाना है, जैसे हम रोटी के लिए डो बनाते हैं बिल्कुल ऐसा ही हमें इसका आटा लगाना है। क्योंकि जब हम इसको रेस्ट करने के लिए 20 से 25 मिनट रखेंगे तो सूजी जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो पी जाएगी। तो हमारा आटा लगकर तैयार है। देखिए इसे हम मसल मसल कर 2 मिनट के लिए चिकना कर लेंगे और इसे 20 से 25 मिनट के लिए कपड़े से ढककर रख देंगे। हल्का सा गीला कपड़ा कर लेना और उससे हम इसे ढक कर रख देंगे। देखिए अभी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन 20 से 25 मिनट के बाद बिल्कुल ये कड़क हो जाएगा, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा सूजी पी जाएगी। तो इसे ढक देते हैं। 20 से 25 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेंगे। देखिए पहले से थोड़ा सा आटा कड़क हो गया है, तो हथेली पर हल्का सा घी लगाकर हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से चिकना कर लेंगे, जिससे गोलगप्पे बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए चिकना कर लेते हैं। देखिए हमारा आटा बिल्कुल चिकना हो गया है। अब इसमें हम ऐसे तोड़ लेंगे, इसके 3 भाग कर लेंगे और 2 भाग हम ढक के रख देंगे गीले कपड़े से। ज़्यादा गीला कपड़ा हमें नहीं लेना है, हल्का सा गीला होना चाहिए। और एक भाग में से हम जितने हमें गोलगप्पे बनाने हैं जिस साइज़ के, हम उसी साइज़ के इसमें से टुकड़े तोड़ लेंगे। ऐसे ही सारे टुकड़े तोड़ कर तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ टुकड़े तोड़ लिए हैं। अब एक टुकड़ा लेंगे और हथेली पर बिल्कुल चिकना करके, और उसको जैसे पेड़े बनाते हैं ना, ऐसे ही हम दबा दबा कर उसको तैयार कर लेंगे ऐसे। देखिए सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे कपड़े से ढक कर रख देंगे, हवा बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। तो एक उठाएंगे और अब हम इसे बेल लेंगे। आपको जैसा पसंद है, गोल पसंद है तो आप गोल बेल सकते हैं। अगर आपको लंबे पसंद है, यानी कि ओवल शेप का पसंद है, तब आप ओवल शेप का बना सकते हैं।
चलिए हम बेल लेते हैं, ऐसे बेल सकते हैं। घी मैंने गरम, तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। देखिए तेल अच्छा हमारा गरम होना चाहिए। अब ये डाल देंगे और डालने के बाद हम गोलगप्पे पर लगातार तेल डालते रहेंगे, या आप चम्मच से दबा दबा कर भी उसको तल सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे। देखिए, और तेल अगर हम डालेंगे, गैस की फ्लेम को यहाँ मीडियम कर देंगे और तेल लगातार हमें गोलगप्पे पर डालना है, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप इसमें आटा इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी आपके गोलगप्पे बनकर तैयार होंगे, और ऐसा बनाना चाहे तो ऐसा भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो लगातार हम इस पर तेल डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक इनको तल लेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। देखिए ये जो पहले वाला गोलगप्पा हमने डाला था वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, और देखने से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। चलिए निकाल लेते हैं इसको, और जो हमारे तैयार हो गए हैं उन्हें भी निकाल लेंगे जो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। देखिए ऐसे गोल्डन ब्राउन हमने करने हैं। आप चाहें तो इसे 2 मिनट अच्छे से फ्राई करके फिर दोबारा से एक बार फिर फ्राई कर सकते हैं, तो और अच्छे क्रिस्पी होंगे। देखिए इसी थिकनेस के हमें बेल लेने हैं, सारे हम बेल कर तैयार कर लेंगे ऐसे बिल्कुल। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं, एक एक करके डाल लेंगे, और इसे चम्मच से तेल डालकर इनके ऊपर अच्छे से हम इनको फ्राई कर लेंगे। सारे हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। चलिए इसे अच्छे से तल लेंगे, निकाल लेते हैं। ये जो मैंने पहले वाला बनाया था, देखिए एकदम क्रिस्पी है, बहुत ही ज़्यादा क्रंची है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। देखिए गोलगप्पे बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल फूले फूले, जैसे हमें ठेले वाले के वहाँ मिलते हैं ऐसे ही हमने बना लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा आसानी से और बिल्कुल सिंपल तरीके से। और जो मैंने स्टेप बताए हैं आप ऐसे ही फॉलो करना। अब मैंने थोड़ा इसका मसाला तैयार कर लिया है। ये मैंने चने रात भर भिगो के और इसमें 6 सीटी लगा के मैंने इसको उबाल लिया है, और थोड़े से मैंने आलू उबाल लिए हैं। ये मैंने पानी बनाया है, बिल्कुल खट्टा मीठा तीखा। अगर पानी की रेसिपी आपको चाहिए तो मैंने आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ मैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ये मैंने दही ली है, इसमें 1 चम्मच मैंने चीनी डालकर इसे अच्छे से फेंट लिया है। दही बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो आप ले सकते हैं। देखिए चलिए गोलगप्पा बना के दिखाती हूँ मैं आपको। वाओ, एकदम क्रिस्पी, एकदम क्रंची ये बना है। चलिए चने और आलू डाल लेते हैं, थोड़ी सी दही डाल लेंगे। आप यहाँ चाहे तो कटे हुए प्याज यानी बारीक कटे हुए प्याज भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने इमली की चटनी ली है। इमली की चटनी की रेसिपी अगर आपको चाहिए और पानी की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप जरूर ट्राई करना। वाओ, देख रहे हैं ना कितना क्रिस्पी, एकदम कुरकुरा ये बना है। अगर ऐसे आप बना के खाएंगे घर पे तो बाहर की पानी पूरी खाना बिल्कुल भूल जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही क्रंची। देखिए आप ऐसे बना सकते हैं घर पर ही, और थोड़ी सी देर में ही ये तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे 10 मिनट बनाने में लगता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। चलिए एक और हम बना लेते हैं। वाओ, देख रहे हैं ना आप, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, एकदम बाहर की पानी पूरी जैसा। कई जगह इसे पुचका भी बोलते हैं, पानी पूरी बोलते हैं, कहीं वाटर बॉल्स बोलते हैं। आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वाओ, देखिए
देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी ये रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आपको पसंद आएगी। और आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैमिली में फ्रेंड में आप शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।